पूर्व पार्षद हरीश शर्मा जी के नहर में कूदने को लेकर पूरा ब्राह्मण समाज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और बहुत ही ज्यादा दुखी है। ब्राह्मण समाज लगातार ये मांग उठा रहा है कि इसकी जांच जल्द से जल्द की जाए और पता लगाया जाए कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से हमारे पूर्व पार्षद हरीश शर्मा जी को नहर में कूदना पड़ा। बता दें आपको कि इसी को लेकर लगातार ब्राह्मण समाज द्वारा मीटिंग की जा रही है। कल भी आपने देखा होगा कि गोहाना रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में ब्राह्मण समाज की मीटिंग की गई थी। वहीं आज रविवार को भी दोपहर 12 बजे पानीपत के कोर्ट में ब्राह्मण समाज की मीटिंग की गई, जहां पर ब्राह्मण समाज के रोहित शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष व समस्त ब्राह्मण समाज पूर्व हरीश शर्मा जी व डिपो होल्डर प्रधान राजेश शर्मा के नहर में छलांग लगाने की दुखदायी घटना के बारे में चर्चा किया गया। वहां पर तो एक घटिया राजनीति के तहत फंसाकर उनका आत्महत्या करवाई गई है। हमारी ये मांग है कि इसमें दोषी चाहे चौकी इंचार्ज है, चाहे जिले की एसपी है, चाहे और भी कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, उनके खिलाफ 306 धारा के अंतर्गत आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनको हवालात में होना चाहिए। और मुझे तो हरियाणा पुलिस पे एतबार ही नहीं है, क्योंकि इस इंचार्ज को बचाने के लिए जिसके खिलाफ 2 महीने पहले अंजनी शर्मा ने, हरीश शर्मा ने शिकायत कर दी थी कि यहाँ पर शराब बिकवाई जा रही है, अवैध धंधे करवाए जा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय एसपी साहब ने, जब हमारे गृह मंत्री अनिल विज ने भी एसपी साहब को कह दिया कि इस मामले को निपटाओ, उसको निपटाने की बजाय उनको शह दी गई, उन करप्ट ऑफिसर को शह दी गई कि इसको आत्महत्या के लिए। क्या हरीश शर्मा पटाखे बिकवा रहा था? क्या हरीश शर्मा की पटाखे की दुकान थी? हरीश शर्मा तो एक जनसेवी, एक समाज सेवी, एक लोगों के लिए लड़ने वाला महान शेर था, जिसने अपनी बिरादरी के लिए नहीं, 36 बिरादरी में सर्वप्रिय था, सर्वमान्य था वो। उसने गरीबों की आवाज़ को हमेशा उठाया है। गरीबों की आवाज़ अगर वो उठा रहा था तो उसके लिए 5-5 CIA की जिप्सियाँ, 5-5 पुलिस की जिप्सियाँ ऐसे घेर लिए कि जैसे कोई ISI का एजेंट हो। तो ये जो कार्रवाई जो हुई है, ये एक उसको कंपेल किया गया कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो, उसको आत्महत्या के मजबूर करने के लिए, क्योंकि इंचार्ज सहित एसपी साहब भी इसमें जिम्मेदार है। और मैं ये मांग करता हूँ कि ये मामले की जांच CBI से होनी चाहिए और CBI से जांच होकर SP और ये जितने अपने जो उनकी चार्ज वगैरह दोषीगण हैं इनको जेल में डालना चाहिए, इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो जो भी हमारा समाज जो भी ड्यूटी लगाएगा हमारी अपने समाज के लिए, ये इन नेताओं के लिए, राजेश शर्मा और हरीश शर्मा दो ब्रह्म हत्याएं हुई जिले के अंदर और प्रशासन के नाम पर कान में जूल जूते मिलेंगे, तो इनके लिए जो भी हमारे जिम्मे जो चाहे मरण दत्त बैठना हो, चाहे धरने बैठना हो, चाहे प्रदर्शन करना हो, हम इन दोनों भाइयों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देखिए आज का जो विषय है बड़ा दुखद विषय है, वो ब्राह्मण समाज जिसने पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, हर लोगों ने हर तरीके से जब ये भीख मांगने के लिए चले जाते हैं चुनाव के समय, आज जब इस समाज के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, इस समाज का मौजूदा सरकार का MC इतना त्रस्त हुआ, उसको आत्महत्या जैसे कार्य उठाना पड़ा, ऐसा कदम उठाना पड़ा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जब सारी चीजों की, अच्छी चीजों की जिम्मेदारी लेते हो तो ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी प्रशासन से मांग है इसकी न्यायिक जांच कराई जाए और कम से कम 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी दी जाए, और जो भी हमारी कमेटी आज निर्णय करके कोर्ट से जाएगी उसके ऊपर